सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच राम रहे भरपूर
मेरा राम, ऐसा 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 मेरा राम, राम रहे भरपूर, राम रहे भरपूर, राम रहे भरपूर, निकट वसे नहीं हर दूर, निकट वसे हर दूर, निकट वसे नहीं हर दूर, निकट वसे नहीं हर दूर, ऐसा मेरा राम, 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 धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु रामदास जी इस शब्द में उस अवस्था का व्याख्यान कर रहे हैं जिसमें द्वितीय भाव मिट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी ध्यान से समझनी पड़ेगी बात। गुरु रामदास जी चौथे गुरु नानक, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, चौथे गुरु नानक, इस शब्द में उस अवस्था का व्याख्यान कर रहे हैं जिसमें सम दृष्टि आ जाती है, ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। जिसमें द्वितीय भाव मिट जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब तक इस अवस्था की प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक गुरु के दर्शन नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब तक द्वितीय भाव नहीं मिट जाता, द्वितीय भाव किसे कहते हैं? आओ पहले थोड़े शब्द को समझ ले शॉर्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा मेरा राम रहया भरपूर, निकट वसे नाही हर दूर। मेरा राम ऐसा है जो हर जगह कण कण में व्यापक है, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे भीतर है, निकट वसे नाही हर दूर। ऐसा है मेरा राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। राम का भाव क्या होता है? राम का जो असल भाव है, सब में रमा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
एक बात जानकर आप हैरान होगे, श्री रामचंद्र जी के आने से पहले भी राम का नाम था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। राम जो सब में रमा हुआ, हर एक में रमा हुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि का मालिक वो एक ओंकार, उसे राम कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा मेरा राम, हर आप पे जोगी डंडा तारी, हर आप पे रव रहया बनवारी, हर आप पे तप ताप लाए तारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी गहरी बात की है। ध्यान साधना में जुड़ने वाला भी तू, जोड़ने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू ही जोगी है जो डंडा पकड़कर चलता है, डंडा थारे। हर आप पे रव रहया बनवारी, बनवारी कहे कृष्ण जी को, कृष्ण जी भी तू ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर आप पे तप ताप लाए तारे, तप भी तू कर रहा है, करवा भी तू रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तारीख है समाधि लगाकर बैठना, तप कर रहा है समाधि लगा के बैठा है, समाधि में भी तू है। और समाधि में बैठ के जिसका ध्यान दे रहा जा रहा है वो भी तू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सारे शब्द को समझेंगे ना तो सब कुछ ये कहा कि तू ही तू है। इस सारे शब्द को अगर दो पंक्तियों में गाना हो तो यही है, तू ही तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जल से तू ही, थल से तू ही, जमी तू ही, जमा तू ही, सब कुछ तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भिखारी भी तू, भिखारी को दान देने वाला भी तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में इसको खुलकर कहा है, कहने लगे मृत्यु मैं हूं, पर जिसको मृत्यु की पीड़ा हो रही है वो भी मैं ही हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अश्वत्थामा को श्राप देने वाला भी मैं, और अश्वत्थामा बनकर श्राप भोगने वाला भी मैं ही हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी बात का अगर यहाँ पे निचोड़ निकाले ना, सारे शब्द का भाव, तो ये है कि द्वितीय भाव मिट गया है इस अवस्था में। इस अवस्था में कोई अपना पराया नहीं रहता, सब अपने लगते हैं, परायापन खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि अपने बच्चों में, दूसरों के बच्चों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ बैठे हैं? हमें तो इतना याद है हमारे अंदर द्वितीय भाव है कि दूसरे के भगवान का नाम भी हमें अच्छा नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दूसरे का है। हद है हमारी, हमारी अवस्था की इतनी गिरी हुई, और ये अवस्था कोई पराया है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अवस्था, खाली उन्होंने लिखा नहीं तू ही तू ही, उन्होंने उनके जीवन था तू ही तू ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुजर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, अवस्था देखो, गुजर रहे हैं। साहब ज्यादा अजीत सिंह जी, उनका शरीर पड़ा है क्योंकि मृत्यु हो चुकी है युद्ध के मैदान में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजारों शव पड़े हैं सिखों के, बीच में अजीत सिंह जी के, साहबजादा अजीत सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सबसे बड़े सपुत्र, उनका शरीर पड़ा है। सिख सफेद चादर लेकर उनको ढकने जाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साहबजादे का शरीर है, ऐसे कैसे छोड़ दे? केवल चादर लेकर ढकने जाने लगे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आवाज देकर रुक दिया, क्या करने जा रहे हो? कहने लगे साहबजादे का शरीर है जख्मी, मृत्यु हो चुकी है, कम से कम एक कफन तो चादर तो डाल दें। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रो में आ गए, कहने लगे तो बाकी सारे सिख वो क्या मेरे बेटे नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जो बाकी सारे शहीद हुए हैं वो मेरे पुत्र नहीं है क्या? केवल वो मेरा पुत्र नहीं है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं डालने दी चादर, क्योंकि सबको डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्वितीय भाव ही मिट गया, तीर पर सोना लगा रहे हैं, द्वितीय भाव ही नहीं है। इतना दयावान हृदय, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उस अवस्था का व्याख्यान कर रहे हैं गुरु रामदास जी, जब हर एक में वो दिखाई देने लग जाता है, कर्ता भी वो, कारण भी वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और साथ साथ में अपनी अवस्था पर ध्यान मारना चाहिए, क्योंकि हर सवाल के साथ ना, जब एक सवाल हल होता है ना, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मुझे जो गुरु साहब जी ने जितनी सुमत बख्शी है, चाहे कोई शब्द ले लो, चाहे कोई ज्ञान ले लो, चाहे किसी कोई भी चीज़ ले लो, जब उसका एक जवाब निकलता है ना, तो दो सवाल उठकर और खड़े हो जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चेन बनी हुई है, जितनी गहरी विचार में उतरोगे उतने सवाल उतने जवाब मिलते जाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरबाणी में हर सवाल का जवाब है, बस खोजने की जरूरत है। जो खोजो सो पावर है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा मेरा राम, 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 ऐसा मेरा राम। राम रहेगा परपूर, राम रहे भरपूर, राम रहे भरपूर। निकट वसे नाहीं हर दूर, निकट वसे दूर, निकट वसे नाहीं हर दूर, निकट वसे नाहीं हर दूर। ऐसा मेरा राम, 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 ऐसा मेरा राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ज्ञान देते थे, संत अतर सिंह जी मस्त होने वाले कहते थे, जब तक संसार में द्वितीय भाव है शांति हो ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। द्वितीय भाव किसे कहते हैं? अपना पराया फर्क। और कृष्ण जी तो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ये संसार इतना बुरा बनता ही तब है जितना ज़्यादा द्वितीय भाव बढ़ता जाता है। इस बात को इस प्रकार से समझाया करते थे कि हमारा अपना सुख, हम अपने सुख को अपनों के सुख से प्रेफरेंस देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ध्यान से समझना। हर हम अपने सुख को अपनों के सुख से प्रेफरेंस देते हैं, और अपने के सुख को दूसरों के सुख से प्रेफरेंस देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाव हमने सुख को बांट दिया, जो अपने नहीं है जिन्हें हम पराया कहते हैं उनके दर्द का ख्याल नहीं है, अपनों के दर्द का ख्याल है। और अगर वही दर्द हमें होने लग जाए तो अपने का भी ख्याल नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच्चाई है, मैंने तो बहुत देखा है, कोई माने या ना माने, आपने भी देखा ही होगा समाज में, कोई ऐसा रोग हो जाए, आदमी को गरीबी आ जाए, घर वाले तक छोड़ के चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये क्या है? अपना सुख वो दूसरा हो गया अब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब विपता आए तो अपने को बचाते हैं,
पराए को बचाने कौन जाता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बातें सुनने में बड़ी आम और बड़ी कॉमन लगती है, पर परमार्थ के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट। मैं मानता हूँ ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है हमारी, अभी तक ये अवस्था बहुत ऊंची है, नहीं पहुंची, कुछ परसेंट तो चले, कुछ परसेंट तो चले। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि बहू अपनी सास में माँ देख ले, इतना तो चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सास अपने बहू में बेटी देख ले, आधे घरों के तो क्लेश वहीं पे खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो कहा गया है कि जानवर में भी राम दिखता है, पत्थर में भी राम दिखता है, पत्थर की मूर्ति में राम दिखाई देता है पूजा करते हैं, और जो घर में है उनमें नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तरफ गुरु साहब जी किस अवस्था की बात करें और एक तरफ हमारी अवस्था क्या है, इतनी गिरी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कुछ परसेंट तो चले ना। और यहां पर सवाल ये उठते हैं कि यह अवस्था मिले कैसे, यह अवस्था बनती कैसे है। सबसे पहले सवाल पूछते हैं गुरु साहब जी से, पाछा ये अवस्था बनती कैसे हमें बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए श्रवण करिए। बिसर गई सब तात पराय, जब ते साध संगत मोहि पाए, जब ते साध संगत मोहि पाए, लाखो बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनया, सगल संग हमको से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझाते हैं कि मेरे मन की अवस्था ये कैसे बनी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। जब से मुझे सत्संगत प्राप्त हो गई, मेरे अंदर ये द्वितीय भाव था वो खत्म हो गया। तात पराई, तात कहते हैं जलन को, ईर्ष्या हो मुझसे आगे कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को दूसरे से होती है, चाहे किसी भी फील्ड में हो आदमी, ये ईर्ष्या होती ही है। पाछा कहते हैं मेरे अंदर से ईर्ष्या खत्म हो गई, क्यों, मेरे अंदर से द्वितीय भाव खत्म हो गया। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी, जब से मैं सत्संगत में आके बैठा, सत्संगत करने लगा रोज, अब मेरी दृष्टि बदल गई। ना को बैरी नहीं बेगाना, ना मुझे अब कोई शत्रु दिखाई देता है, ना मुझे कोई पराया दिखाई देता है, सब अपने लगते हैं। सगल संग हमको बनाए, कमाल है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जब से मैं सत्संगत में आके बैठा मेरी दृष्टि बदल गई। हम रोज सत्संगत करते हैं, हमारी दृष्टि क्यों नहीं बदल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सवाल आ गया कि नहीं फिर से, अगर सत्संगत में आके द्वितीय भाव खत्म होता है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा, कहाँ गलती कर रहे हैं, समझना पड़ेगा। जैसे बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो कहा है विचारो, अपने आप में बैठ के विचार किया करो। जब हम सुनते हैं कि कोई आदमी सत्संगत में आके पाकर चला गया, अवस्था ऊंची होगी, वो भी तो इंसान ही है, भगत भी तो इंसान ही थे, हम क्यों नहीं वहां तक पहुंच पा रहे, कहाँ गलती हो रही, उस गलती को ढूंढ कर माफी मांग कर आगे अपने आप को चेंज करने की कोशिश तो करनी है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहि पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। फिर क्या होता है, जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, एहे सुमत साधु ते पाई,
सब मेरा रहे आप प्रभु एक है, पेख पेख नानक बिगसाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाए। सत्संगत में जब आ गया मेरी अवस्था बदल गई, बिसर गई सब तात पर आई। जब ते साथ संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। जो प्रभु कीनो सो पल मान्यो, सत्संगत में आके मुझे साधु मिल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साधु की संगत मिल गई और उसने मुझे ये सुमत बख्श दी कि जो गुरु करता है वो सही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। भाणा मानने की दात मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो भी मेरे जीवन में घटित होता है मुझे बुरा ही नहीं लगता, क्योंकि विश्वास हो गया गुरु कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब में रव रहे या प्रभु एक। अब दृष्टि कैसे बन गई कि हर एक में वो ही है, हर एक में वो है, असल में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें दिखाई नहीं देता ना। सवाल क्या उठता है कि अगर तात पराई बिसर जाती है, हमारी ईर्ष्या क्यों नहीं खत्म हुई? आज भी हमें ईर्ष्या होती है दूसरों से कि वो आगे ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहाँ गलती हो रही है? सत्संगत कर रहे हैं, नित्यनेम कर रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं? ना को बैरी नहीं बेगाना, हमारे लिए बैरी भी हैं, हमारे लिए लोग बेगाने भी हैं। वो अपना है, वो पराया है। हमारी अवस्था क्यों नहीं बन रही? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे पहला रीजन, सबसे पहला रीजन, इस बार चालिए में गोल मैदान के जो चालिए हुआ था, कई दिनों तक सत्संगत की महिमा का प्रकरण चला था, कई दिनों तक। उसमें यही कानून थे कि सत्संगत में आना कैसे है, बैठना कैसे है, जाना कैसे है, करना क्या है। प्रॉब्लम हमारी ये है, बिसर गई सब तात पराई, सब जब ते साथ संगत मोह पाई। जब से मुझे संगत मिली मेरी अवस्था बदल गई, हमारी नहीं बदल रही। उसकी वजह, हम सत्संग कर रहे हैं पर अपने मन के हिसाब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के हिसाब से नहीं, मन मत से, गुरु मत से नहीं। गुरु मत से सत्संग किया होता अब तक अवस्था बन गई होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम घर से निकलते ही जब हैं, क्या सोच के निकलते हैं, क्या करने जा रहे हैं? विचार, अपने विचारों पर नजर रखो। कई बार पता ही नहीं होता हम क्या कर जाते हैं। बाबा महार नाम सिंह जी के जीवन की घटना आती है और ऐसे कई संतों के जीवन की घटना आती है, बहुत सारे। और ये घटना लगभग किसी भी संत का जीवन पढ़ोगे ना, कई बार आपको ये पहलू मिलेगा कि कोई आया मिलने के लिए और नाम की दात मांगने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ अवस्था की बात करने लगा कि नाम की दात दे दो, दसम द्वार खुल जाए, ऐसी बातें करने। तो कहने के भाई तू आया क्यों है, एक बात बता, तू यहाँ पर स्पेशली आया है कि किसी और काम से आया है? तो महापुरुष अंतर जामी। कहने लगे तू आया शादी में, यहाँ पे आया शादी में है, नाच गा कर यहाँ पर आया है और देखा डेरा है, महापुरुष बैठे, चलो मिलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना ध्यान से, प्रेफरेंस क्या है हमारी। और आकर कह रहे हैं कि नाम के दांत दे दे, पहले शादी करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शादी के सुख ले ले, अगर नाम के दांत चाहिए तो दोबारा आना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी के जीवन की घटना आपको याद है, दास ने सुनाई हुई है। भगत तुलसीदास जी वृंदावन गए, कृष्ण जी का जन्म स्थान है, वहां पर मैं नाम जपूंगा, भक्ति करूंगा, आनंद लूंगा।
और वहाँ जाके क्या किया, बाजार में देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ मिल रही हैं और बड़ी सस्ती मिल रही हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मूर्तियाँ खरीदनी शुरू कर दी, शॉपिंग शुरू कर दी। भगत तुलसीदास जी, कृष्ण जी ने, भगवान ने भेष धारण किया साधु का और पहुंच गए तुलसीदास जी के स्थान पर जहाँ से वो आए थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और जाकर पूछते हैं भगत तुलसीदास जी कहाँ गए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सेवादार कहते हैं वो वृंदावन में गए भक्ति करने कृष्ण जी की। कृष्ण जी कहने लगे नहीं, साधु के वेश में जो आए थे वो भक्ति करने नहीं गया, वो व्यापार करने गया, सस्ती मूर्तियां खरीदने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसे कह देना कि साधु आए थे, वो कह के गए हैं कि व्यापार करने गया है, दर्शनों की अभिलाषा से नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब वापिस आए भगत तुलसीदास जी, तो जब सेवादारों ने बताया कि ऐसे साधु आए थे, ये बात कही तो पहचान गए कि भगवान आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पश्चाताप हुआ, कितना बड़ा गलत काम कर दिया मैंने, गया किस वजह से था, करके क्या आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, हमारी प्रेफरेंसेस क्या होती है हम जब जाते हैं। मैं हैरान हूँ यहाँ पर संगत आती है, यहाँ पर आपको पता है धर्मशाला बनाई है, कितने अच्छे कमरे बनाए हैं, कितने सेवादार सफाई करते हैं रोज संगत की, एक एक चीज़, जैसे बेस्ट होटल में जो ट्रीटमेंट होती है ना वो देने की कोशिश करते हैं एक एक चीज़ की। संगत आती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी से कमरे का, और मकसद एक ही है कि अमृत वेले उठ के संगत आके जुड़ जाए। कीर्तन का प्रवाह चालू हुआ, पूरा दिन पाठ चालू हुआ, उसमें नीचे 24 घंटे लंगर चालू, उसमें सेवा करे, पाठ करे, यह मकसद होना चाहिए ना। आते हैं यहाँ पे, कमरा लेते हैं, गाड़ी मंगाते हैं, बॉम्बे घूमने निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या प्रेफरेंस रहेगी, किस लिए आए थे, इतनी दूर से आए, और कई बार तो अमृत वेले उठ के भी नहीं आते। तो मैंने एक सिस्टम चालू कर दिया कि 3 बजे पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद कर दो, गर्मी है ना, एसी चलेगा ना पंखा चलेगा ना लाइट होगी, नीचे उतरना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हफ्ते से सिस्टम चालू कर दिया, क्योंकि उतर के आते नहीं नीचे, सेवादार जाते उठाते हैं और कहते नहीं उठा जाता, इतनी दूर से आए क्यों हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पैसे हम इसलिए नहीं ले रहे कि अमृत वेले से जोड़ना है, नहीं तो फिर भरो पैसे होटल में जाके रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वजन चढ़ेगा जो इस प्रकार आके रहेगा यहाँ पर, बिजनेस करेगा आकर यहाँ पर, घूमने चला जाएगा, संगत का एक एक पैसा लगा हुआ है यहाँ पर, संगत सेवा करती है, बिस्तर झाड़ती है, बाथरूम साफ करती है, ये नई नई चादरें बिछाती है, संगत करती है सब कुछ, वो सारी आपकी कमाई वो सेवा करके ले जाएंगे अगर अमृत वेले उठ के नहीं आए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर आते हो तो केवल एक निशाना लेकर आओ, केवल यहाँ नहीं, हरिमंदर साहब जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तीर्थ पे जा रहे हो, तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जपते जपते जा रहे हो तो तीर्थ स्नान है, वहां पर जाके नाम बंदगी। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 18-18 घंटे हरिमंदर साहब से उठते नहीं, कीर्तन सुनते हैं, वो है असल जाना। गुरु रामदास जी भी गले से लगा लेते हैं ऐसे लोगों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी क्या होती है सिस्टम, हरिमंदर साहब जाना है, वहाँ से श्रीनगर जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आते हुए यहाँ घूम के आना है, जाते हुए वहाँ घूम के जाना है, भक्ति की इच्छा नहीं है मन में। इसलिए दास हमेशा कहता है ठीक है फैमिली के साथ घूमने जाओ, हरिमंदर साहब माता के लिए वो अलग है, पर हरिमंदर साहब जा रहे हो फिर अगर घूमने जा रहे हो साथ में, एक निशाना रखो। हमारी चॉइस क्या है, यहाँ पर कहते हैं कि सत्संगत में बैठकर अवस्था बदल जाती है, हम सोच ही दूसरी लेकर जाते हैं सत्संगत में। ये पहली निशानी है कि किस विचार से आ रहे हो, किसी औहदे को साथ में लेके आ रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, बात नहीं बनेगी। मुझे रिस्पेक्ट मिले यहाँ पे, बात नहीं बनेगी। कई लोग रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं कि आए तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, मिल जाएगी पर वही मिलेगी फिर गुरु की खुशी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जितना पीछे रहेगा गुरु नानक उसके पास, जो जितना आगे आएगा गुरु नानक उससे दूर, ये बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ लें। ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम।
मेरा राम, ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम, राम रहे भरपूर, राम रहे भरपूर, राम रहे भरपूर, राम रहे भरपूर, निकट वसे नाहीं हर दूर, 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 ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा राम, ऐसा मेरा से बोलिए धन गुरु। बड़े ध्यान से सुनना, जो इस बार गोलबदन चाले पे सत्संगत के प्रकरण हुए थे वो सारे वो कानून थे सत्संगत के, एक बार रिपीट में जरूर सुन लेना सारे। सबके पास पेन ड्राइव होती है, सबके पास रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उन चीज़ों को अगर हम फॉलो कर लेंगे जो गुरु साहिब जी ने उस वक्त समझाए थे हमें वाणी के अनुसार, ज़रूर ये अवस्था बन जाएगी, ज़रूर बननी ही है, बस उसे फॉलो कर लें। कैसे आना है, कैसे बैठना है, बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातें हैं हमारी, वैसे किसी का दिल ना दुख जाए, किसी का मन ना टूट जाए, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। बहुत डिटेल में मैंने उसमें गुरु साहिब जी ने सेवा ली है कि एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है दास ने। गुरु मेहर करें मेरी भी समझ में आए, आप लोगों के भी समझ में आए, तब जाके बात बनेगी। क्योंकि अगर सत्संगत में बैठने से तात्पर्य विसर जाती है, बेगानापन खत्म हो जाता है, हमारा नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। घर से निकलते वक्त विचार मन में लाओ, क्यों जा रहे हैं। गुरु ने अमृत वाले उठाया, नींद भी खराब की, गुरु के चरणों में आ रहे हैं, कुछ पाने की लालसा से आ रहे ना कि आज कृपा वर्त जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमेशा इस उम्मीद से आना कि आज कृपा वर्त जाएगी, गुरु अवस्था बख्श देगा। इस लालसा से बैठना, क्योंकि ये देने वाला बैठा है, इसके लिए एक सेकंड की बात है, पता नहीं किस पे खुश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पता नहीं होता। ये कई गुरसुखों के साथ रहने का मौका मिला है भक्तों का, ऊंचे जीवन वालों का, दास को। वो कहते हैं कि जैसे होता है ना, बहुत लोग कहते हैं हमें नींद आती है नाम जपते हुए, बहुत बहुत नींद परेशान करती है, उबासी आती है, मन नहीं जुड़ता। कहते अरदास करते रहते थे रोज़ रोज़ रोज़, अच्छा तरस कर, कहते एक दिन ऐसी कृपा होती है, सच में होता है सत्संग, तो उसके बाद उबासी भी नहीं आएगी आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, चाहे एक घंटा सो के उठ जाओ, चुस्ती रहेगी। ये एक दात है ना, अनमोल दात है, कि अब नींद नहीं आ रही नाम जपने में, आलस नहीं आ रहा, आनंद आ रहा है, कितनी बड़ी दात है। ये कृपा वर्त जाती है, मांगना पड़ता है, पाछा दे देना, बहुत नींद आती तेरा नाम जपने में, मुझे आके कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता है, इसे कहा करो अरदास करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत में बैठो तो इस प्रकार से बैठो,
झोली फैला कर आज लेके जाना है, आज नहीं मिला पाचा कल दे देना प्यार से, बोलिए धन गुरु नानक। वो बोलेगा रोज आते हैं रोज मांगते, दे देता है जो अवस्था चाहिए मांगो। ये चीज लेकर वो बैठा है देने के लिए, सत्संग बर्तन तैयार हो जाएगा, कमाई करवाता जाएगा, जिस दिन बर्तन तैयार हो गया दांत डाल देगा। बस बर्तन तैयार करने के ही पॉइंट्स है वो, जो गोल मैदान पर इतने दिन सत्संगत का प्रकरण लिया कि अगर वो बातें मानेंगे बर्तन तैयार हो जाएगा, फिर वो गुरु दांत डाल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु मेहर करे। इतनी बड़ी अवस्था वो चाहे तो कभी भी बख्श सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर आपे वे तुल्हा तारा, हर आपे बेड़ी तुल्हा तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे गुरमति निस्तारा, हर आपे नानक पावे पूरे
निकट वसे नहीं हर दूर 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 ऐसा मेरा राम ऐसा मेरा राम ऐसा मेरा राम ऐसा मेरा राम धन गुरु नानक 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 जरूरी बेनती इंदौर में जो प्रोग्राम होने जा रहा है 27 मई सैटरडे शाम को दास की बेनती है जो लाइव देख रहे हैं इस वक्त सारे देश विदेश की संगत से बहुत सारी संगत वहां पर आ रही है आसपास के जितने भी सेंटर से वहां से बसें आ रही हैं बहुत बड़ी तादाद में संगत वहां पहुंच रही है इसका लाभ जरूर उठाइएगा इस प्रोग्राम का लोग विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए उनके लिए रहने का अरेंजमेंट सब कुछ किया गया है यहाँ पर मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जैसे खंडवा से लगभग 20 से 25 बसें पहुँच रही हैं मुझे मैसेज भेजा स्पेशल उज्जैन देवास शाहजहाँपुर बीनागंज भोपाल नडियाड सूरत बड़ौदा अहमदाबाद चालीसगांव धुलिया परतवाड़ा इत्यादि सब जगह से कारें और बसें बहुत बड़ी गिनती में आ रही हैं तो यहाँ पर जरूर पहुंचकर इस कीर्तन का लाभ लें और सबसे बड़ी बात के अकाल तख्त साहब से जथेदार महापुरुष वो भी पहुंच रहे हैं एसजीपीसी के प्रधान जी वो भी वहाँ पहुंच रहे हैं धामी जी ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार अकाल तख्त साहब जी वो भी पहुंच रहे हैं ये बहुत बड़ी शख्सियतें हैं इस सिख पंथ की सबसे बड़ी शख्सियतें ऐसे लगता है सच में जैसे गुरु रामदास जी की पूरी कृपा साथ में आ गई हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक मकसद एक ही है द्वितीय भाव मिट जाए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु ये जो समाज में द्वेष फैलाते हैं कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं उनके अपने कर्म गुरु मेहर करे उन्हें भी सुमत बख्शे हमारा अपना काम है जोड़ना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक दो को एक करना एक का दो नहीं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु मेहर करे सेवा ले सर पे हाथ रख के और दूसरा ये प्रोग्राम अब पीटीसी सिमरन पे लाइव भी होगा और यूट्यूब चैनल पे तो लाइव होता ही है अमृतला ट्रस्ट लाइव पर पीटीसी सिमरन पर भी लाइव है ये जो प्रोग्राम होगा इंदौर में इंदौर में जहाँ प्रोग्राम हुआ उसका नाम है खालसा बाग ग्राउंड यहाँ पर पहुँचना है सबको धन गुरु नानक और अब दूसरी बेनती जो यहाँ पर 3, 4, 5 को होने बहुत सारी संगत ने नाम लिखा है जिन्होंने नहीं लिखाए हैं वो भी लिखवा दें 3, 4, 5 के लिए मैंने रूम बुक करने ही बंद करवा दिए बाहर से बहुत संगत आ रही है पर मैंने कहा बाहर अरेंज करो अपना क्योंकि अंदाज़ा लगाइए अगर 1000 लोग 1500 लोग 2000 लोग यहाँ रुक गए तो उनको भी तो यूज़ करने के लिए बाथरूम और कमरे चाहिए होंगे फ्रेश होने के लिए इसलिए मैंने बुक ही नहीं किया संगत यहाँ पर 24 घंटे 48 घंटे 108 श्री जपजी साहब जी के पाठ अखंड तो इतनी संगत होनी ज़रूरी है क्योंकि हर आधे आधे घंटे एक ही घंटे में 108 लोग चाहिए बदलने के लिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक तो बहुत सारी संगत यहाँ पर दिन रात रुकेगी दिन रात लंगर दिन रात सेवा सिमरन का प्रवाह एक महाकुंभ हो जाएगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक गुरु नानक मेहर करें सबसे सेवा लें जितना लाभ उठा सके उठा लो क्योंकि कम कारने मुख नाने बंदे आ तू एक दिन एक जाना परिवार ने छुटना नहीं
परिवार ने छुटना नहीं, परिवार ने तू छड़ जाना, परिवार ने छुटना नहीं, परिवार ने तू छड़ जाना, कारोबार ने मुकना नहीं, कारोबार ने मुकना नहीं, कारोबार ने तू छड़ जाना, कारोबार ने मुकना नहीं, कारोबार ने तू छड़ जाना, कंकार ने मुकना नहीं, बंदिया तू एक दिन मुक जाना, हमरी करो हाथ दे पूरन हो चित की पूरन हो से मोरो परवार सेवक सिख सब करता मोर छंड कर दे करिए सब रंगवास करिए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह तुम्हें चाट कोई और न कहूं जो पर चांस तुम दे पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी आप आप दे मुझे भरिए मरण काल का त्रास निवरिए पूजो सदा हमारे बच्चा श्री अस्तु जो करे और अच्छा साहिब संत साहेब प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंत आत्मा परि चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा वक्तरा काल पाए शिव जुआ तरा काल पाए कर विष्णु प्रकाश सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सुर कियो वेदराज ब्रह्मा जो कियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैन दक्षिण बजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तुसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी कल को सुन सुख दियो सतन को परमो बल कियो कड़कड़ के अंतर की जान परे परे की पीर बुझा
ਸਥਾਨ ਚੀਟੀ ਤੇ ਖੁੰਚਰ ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਭੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੇ ਕਟ ਕਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਬ ਕੁਝ ਕਰ ਕਲਾ ਕਰਤਾ ਰੱਬ ਦਰ ਤਬ ਦੇ ਹੈ ਪਾਰਾ ਜਵਾ ਕਰ ਕਰ ਤੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲ ਦੇ ਤਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਬਦਨ ਸੇ ਸਭ ਧਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਰਿਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ ਯਾਦ ਨੀਲ ਨਾਦ ਸੁਨ ਕਾਕਾ ਮੂੜ ਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾਕੋ ਬੇ ਮਪਾਤ ਬੇਦਲ ਤਾਕੋ ਕਰ ਪਾਵਨ ਅਨਵਾਰ ਤਮਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾ ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਤਸਦਾ ਸਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨੇ ਪਿਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁਦੈ ਜਿਤੀ ਵਰਨ ਪਿਨ ਪਿਨ ਤੋਇ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿ ਬਿਦਸ ਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਰੰਗ ਪਿਓ ਰਾਵ ਕੇ ਰੂਪਾ ਅੰਡ ਸੇਤ ਜਕੀਨੀ ਖਾਨ ਬਹੁ ਦਕਿਨੀ ਕਹੂੰ ਭੂਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਪਿਓ ਸੰਕਰ ਕੈਠਾ ਸਗਰੀ ਸਿਸ ਦਿਖਾਇਆ ਚੰਭਵ ਆਜ ਗਾਤ ਸਰੂਪ ਸੇ ਅੰਭਵ ਅਪਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮਖ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਮਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣਕਾਤਾ ਜੇ ਅਸਤੁਈ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਆਰੇ ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਲਪੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਏ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਨ ਜਾਏ ਨਹਰ ਹੋ ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਿਲਕ ਮੋਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਰ ਚਲ ਸਕੇ ਨਕੋ ਏਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਵਾਰਾ ਕਾਲ ਵਾਸ ਤੇ ਤਾਏ ਉਬਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਰਨਾਮ ਤੇ ਮਾਰੋ ਕਾ ਤਾਰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਕੇ ਤੁਮੇ ਸਰਣ ਤਿਵਾਰੀ ਸਰਬ ਠੋਰ ਮੋਹ ਅਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਮਰਾਤਾ ਕਿਲ ਬਿਕ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜਾ ਭਏ ਦਿਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਣ ਬਲ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਦੂਖ ਨਤ ਸੇ ਵਿਆਪਟ ਕੋਈ ਅੜੇ ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਆਹ ਸੋ ਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਾ ਨਿਕਟ ਨ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਾਪਈ ਕੋ ਕਹੇ ਦੁਖ ਦਰਦ ਪਾ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਕੋਟਾ ਗਾਉ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਸਵਾਰਣ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਵੀ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ ਪਰਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਿਆਏ ਵਸੇ ਅਜ ਨੇਕਸ਼ਾਂ ਸਭ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਵਿਟ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਪੁੱਤਰੋ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਪਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਆਸੀ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੂਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਮਰ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੁਰੇ ਸੋ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀਆਂ ਪੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾ ਤਿਆਇਆ ਕੈਮ ਸਖਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
शिव जी सदा अर्धांगी धारा ओम जय शिव।
Take care.